पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको अकाउंट नंबर चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप अकाउंट को चेंज करेंगे और दूसरे अकाउंट में जो है आप आधार एनपीसीआई करेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरह से आप नया अकाउंट खोलेंगे और खोलने के बाद जो है आप डीबीटी में लिंक करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि उस कंडीशन में आपको आधार एनपीसीआई चेंज करना पड़ता है और आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस में दूसरा अकाउंट को लिंक करना पड़ता है। तो अकाउंट चेंज करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम आता है कि उस कंडीशन में आपको अकाउंट चेंज करना पड़ता है और उसके बाद जो है आपको दूसरे बैंक में आधार एनपीसीआई करना पड़ता है। अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट लिखा हुआ है इस कंडीशन में जो है आपका पैसा नहीं दिया जाएगा और उसमें जो है आप बार बार आप आधार एनपीसीआई करते हैं फिर भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको दूसरे बैंक में आपको खाता खुलवाना होगा और किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट मोड आधार लिखा हुआ है और उसके सामने अकाउंट नंबर एन ए लिख के आ रहा है और इसका फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है और उसका जो प्रॉब्लम है और उसको पीएफएमएस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया गया है और उसमें जो है क्या रीजन उसको बताया गया है। तो इसमें बताया गया है यूडीआई नेवर एनेबल फॉर डीबीटी, मतलब इसका डीबीटी का प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में जो है उसका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस में इस तरह का ऑप्शन इसमें आ जाता है, ट्रांजेक्शन फेल का सामने जो है इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपको हम बता देते हैं कि आधार नंबर डी सी डीट फॉर्म एनपीसीआई मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हेसियर बैंक, इस तरह करके लिख के आ गया है और इसका पेमेंट जो है रोक दिया गया है। तो इस कंडीशन में भी आप आधार एनपीसीआई करते हैं और आपका जो है बार बार जो है इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको बैंक अकाउंट चेंज करना होगा। तो इस तरह से आपका जो पीएफएमएस की तरफ से जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है बार बार डीबीटी में लिंक करते हैं फिर भी आपका जो है आधार एनपीसीआई नहीं हो पाता है, आपका जो रिजेक्ट का प्रॉब्लम शो कर जाता है या इसमें जो है और इस पे रिस्पॉन्ड एट पीएफएमएस बैंक फॉर अकाउंट वैलिडेशन इस तरह करके प्रॉब्लम आ रहा है और आप बार बार जो है आधार एनपीसीआई करते हैं फिर भी जो है ये प्रॉब्लम आपका नहीं हटता है। तो इस कंडीशन में आपको बैंक चेंज करना होगा। तो जितना भी आपको हम प्रॉब्लम बताए हैं और दिखाए भी हैं अगर उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और आप जो है बार बार आधार एनपीसीआई करते हैं फिर भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको बैंक चेंज कर लेना ही अच्छा होगा। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आने का प्रोसेस वो चालू हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से एक नया गाइडलाइंस दिया गया है, नया उसमें सूचना दिया गया है कि अगर आप उस बैंक में खाता खोलते हैं तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो रुका हुआ है वो पैसा जो आपका अकाउंट में आने का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि सरकार की तरफ से कौन बैंक को जोड़ा गया है और कौन बैंक में जो पैसा भेजने का जो सिस्टम उसमें चालू किया है कि अगर उसमें आप खाता खोलते हैं तो आपका जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा आने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाए। क्योंकि आज आपको हम बताएंगे कि उस बैंक में आप खाता खोलकर आप किस तरह से आप अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो रुका हुआ है वो पैसा आपका आना स्टार्ट हो जाए। तो उस सूचना को जानने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना होगा, वहाँ पर जाकर आपको हम बताते हैं। आप गूगल क्रोम में आएंगे, आने के यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लिख के आप सर्च करेंगे। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पाएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ अगला इंटरफेस खुल के आ जाता है और यहाँ पर पॉपअप में लिख के आ रहा है आवश्यक सूचना। इसी पर लिखा हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए आपको कौन सा बैंक में आधार एनपीसीआई करना होगा, उस कौन सा बैंक में आपको खाता खोलना होगा। तो सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिन किसान का बैंक खाता आधार यू एनपीसीआई से नहीं जुड़ा है यानी डीबीटी एनेबल नहीं है, वैसे किसान तुरंत पोस्ट ऑफिस जाकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाए और डीबीटी एनेबल करवाए। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाते हैं तो जैसे कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाते हैं और डीबीटी एनेबल करवाते हैं तो आपका जो पैसा रुका हुआ है वो सारा पैसा जो है आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें लैंड सीडिंग सही करने का जो प्रोसेस भी बताया हुआ है कि किस तरह से लैंड सीडिंग सही करना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कैसे खाता खोलते हैं, ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को सर्च कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ओपन कर लेना है इसको। ओपन करने के बाद तो उसके बाद अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे फिर से अलाउ करेंगे, करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉगिन और उसके बाद ओपन योर अकाउंट न्यू, आपको अकाउंट न्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, डालने के बाद यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है वो पैन नंबर यहाँ पर डाल देना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिटर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर और आधार वर्चुअल आईडी। तो आधार नंबर पर रहने दें और यहाँ आधार नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है जो आपका आधार नंबर है, और दोबारा फिर उसको री एंटर कर देना है और दोबारा उसमें फिलअप कर देना है। जैसे आप फिलअप करेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इस पर टिक कर देना है आपको। तो जैसे आप यहाँ पर टिक करें करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आधार कार्ड के तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, उसके बाद पैन कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद नॉमिनी एड्रेस, उसके बाद ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। पाँच स्टेप दिया गया है, तो पाँच स्टेप को आपको पूरा करना होगा। पूरा करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आने के बाद आधार कार्ड में जो भी आपका नाम उसमें था वो सारा इसमें ऑटोमेटिक फिल हो गया है। फिल होने के बाद जो भी यहाँ पर छूटा है उसको आपको फिलअप करना होगा। तो जो आपका मदर नेम है पर आपका मदर नेम फिलअप कर देना। उसके बाद लेडीज है तो आपका हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आप जेंट्स है तो आपका वाइफ का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा, और आपका पिताजी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और आपका जो आधार कार्ड में नाम दिया हुआ है वो नाम सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन आ गया पैन कम्युनिकेशन एड्रेस, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपका एड्रेस और कम्युनिकेशन का एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। दो स्टेप फिलअप हो गया है, यहाँ पर दो स्टेप पर टिक आ गया। तो उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो एस करेंगे, अगर आप नॉमिनी को ऐड करना नहीं चाहते हैं तो नो पर आप टिक रहने दें। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए आपको एस करना होगा। तो एस करने के लिए आप यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल देंगे और यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो रिलेशन है आप यहाँ पर रिलेशन में डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर टिक कर दें। टिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो नॉमिनी को ऐड करने का फायदा यही है कि अगर किसी भी कारण से अगर आपका डेड हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो भी पैसा होता है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर बाद में ऐड करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक रहने देंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर चौथा स्टेप हमको पूरा करना है। तो चौथा स्टेप पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ था, इंडिया ही रहने दें। उसके बाद यहाँ मेरिटल स्टेट यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका मेरिटल है। आप शादीशुदा है तो मेरिट लिखेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिट यहाँ पर लिखेंगे। तो आप जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एनुअल इनकम में आपका जो सालाना इनकम होता है यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। जो भी आपका सालाना इनकम है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर लेवल ये है कि आप कितना पढ़े हैं। तो जितना भी आप पढ़े हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर नो पर आप क्लिक रहने देंगे, क्योंकि यहाँ मेरा पहले से नो पर लिखा हुआ है तो नो पर रहने देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद चार स्टेप मेरा पूरा हो जाता है। होने के बाद यहाँ पांचवा स्टेप मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन का रह गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट योर अकाउंट स्टेटमेंट। आप अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो करेंगे। अकाउंट स्टेटमेंट लेने के लिए यस पर टिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन और पोस्टल। अगर आप पोस्टल के द्वारा लेना चाहते हैं तो पोस्टल पर क्लिक करेंगे, अगर ऑनलाइन के माध्यम से अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं डीबीटी मैपिंग, रिसीव डीबीटी इन आईपीपीबी अकाउंट, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव डीबीटी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में डीबीटी के द्वारा अगर किसी भी योजना का पैसा अगर अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अगर आप सब्सिडी लेना नहीं चाहते हैं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे पांचों इन्फॉर्मेशन मेरा क्लियर हो गया है। मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन तक मेरा क्लियर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे मोबाइल बैंकिंग और यहाँ पर SMS बैंकिंग और यहाँ पर मिस कॉल बैंकिंग, पर तीनों पर टिक रहने देंगे। तीनों में टिक रहेगा तो आपको तीनों का ही लाभ आपको मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पूरा शो कर जाएगा। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो मेरा इन्फॉर्मेशन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद
मेरा मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल। तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, मेरा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर मेरा कस्टमर आईडी हमको मिल गया है और यहाँ पर अकाउंट नंबर हमको मिल गया है। तो आप सब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में इसी तरह आप खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद डीबीटी एनेबल कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो हम डीबीटी एनेबल इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि मेरा पहले से ही दूसरे अकाउंट में पैसा आ रहा है और उसमें जो है डीबीटी एनेबल किया हुआ है, डीबीटी में लिंक किया हुआ है। तो आपको डीबीटी में लिंक करना है तो आपको यस कर देना है, अगर आपको डीबीटी में लिंक नहीं करना है तो आपको यस नहीं करना है। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आप लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। जैसे आप यस करेंगे उसके बाद जो है आपका डीबीटी में लिंक हो जाएगा, उसके 48 घंटे के अंदर जो है आपका आपका डीबीटी एनेबल हो जाएगा और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँच, तो इसके लिए आपको कॉल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है।